अस्सलाम वालेकुम, हाय रेसिपी के भी बनी कर लो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आपका भाई आ गया वापस बहुत लंबे टाइम के बाद। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ भी है। मैंने याद है लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे सजेशन दे कि मैं कौन सा कैमरा खरीदूँ या कौन सा मोबाइल खरीदूँ, तो आज के दिन में वही है। आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि मैं अभी लेने जा रहा हूँ उससे पहले, लेकिन मुझे निकलना है जिम। लोगों को बोला था कि मैंने मोबाइल लेना है या कैमरा लेना है, दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी थी व्लॉगिंग के लिए। तो मुझे कुछ आइडियाज़ दोस्तों ने दिए कि आप एक ऐसी चीज़ लें जो कि दोनों में काम है। तो खैर है एक ऐसी चीज़ जो आपको वीडियो के एंड में नज़र आ जाएगी। हमने जिम जाना है, जिम के लिए मैं निकलने लगा हूँ जस्ट। तो अपनी ये उठा दिए एयरपॉड्स, ये आगे हमारे बैंड्स और ग्लासेस नहीं। हालत हो गई है बहुत टायर्ड, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो अभी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपन निकलते हैं और अपने सामान जो लेने के लिए निकल रहे हैं उसकी तरफ। तो दोस्त को बोला था कि चलने को, बट रमजान है और सब दूर दूर रह रहे हैं तो कोई आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं खुद ही निकल रहा हूँ। तो बस ठीक 5 मिनट में मैं तैयार व्यार होकर निकलता हूँ। बंदा वेट कर रहा है, उसके घर पर ही जाना है। बंदा भी अच्छा है और इवन आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से कनेक्शन बन गया। एक यूट्यूबर है वेयर इज़ हसीब के नाम से, उसका चैनल है जर्मनी में, और यकीन माने उस बंदे ने इस चीज़ को परचेज करके पाकिस्तान में भेजा था। यकीन मानो शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं उसकी वीडियोज़ देखता था, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी तरीके से कुछ जैक लगे और मैं निकल जाऊँ। खैर अब बिना किसी वक्त छोड़ी के निकलते हैं अपन अपने सामान की तरफ। तो भाई हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे जो बंदे के पास, और उसका वेट कर रहे हैं। तो भाई हमें गैराज में खड़ा करके पता नहीं कहाँ चला गया है वहाँ, जो फिर हम कैमरे की तरफ जाएंगे फौरन, देखते हैं कि क्या है, आपको भी दिखाते हैं फौरन। आई एम सो एक्साइटेड, लाइक लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस। अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है, कैसी कंडीशन है, क्या है, कितने में है, सब चीज़ आपको बताएंगे घर जाके। बट यहाँ पर आके पहले हम अपनी चीज़ देखें। हाँ तो भाई मैंने ले लिया है भाई से अभी GoPro जो कि इन्होंने दे दिया है रीज़नेबल प्राइस में। सबसे अच्छी बात है कि ये मैं जिस बंदे की वीडियो देखता हूँ ये उसी बंदे का दोस्त निकला है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लग गया। तो भाई कैसा रहा आपका भाई मेरी तरफ से बहुत अच्छा, नो डाउट बंदा बहुत सेटिस्फाई निकला, वो चीज़ भी अच्छी है, अनटचेबल चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार यूज़ की हुई है, मेरी तरफ से ओके है। इसके बाद मैं हसीब को टैग करने वाला हूँ, उम्मीद है ये उसको बोल देगा कि भाई तू देख ले वीडियो एक बार देख ले, ताकि और नहीं तो उसकी थोड़ी सी ऑडियंस भी आ गई ना तो मेरा ग्रो कर जाएगा थोड़ा सा। बाकी बोल दोगे ना भाई इंशाल्लाह? हाँ इंशाल्लाह, वैसे कराची में जो बोला जाता है वो तो इंशाल्लाह ना होने वाला होता है, लेकिन समझ रहे हो लेकिन इसका इंशाल्लाह देखते हैं हम। चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो भाई, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो भाई घर पहुँच गए हैं सामान वगैरह लेके। इस टाइम पे बज रहा है पूरा 1 और आते आते बहुत लेट हो गई। बीच में जगह भी देखनी थी कि नाइट मैच के लिए तो जगह मैंने देखी थी कि वहाँ पे जाके हम खेल सकें। चीज़ आपको मैं आज नहीं दिखाऊँगा, उसकी पिक्चर्स अटैच कर दूँगा मैं, कहीं भी शो हो जाएगी वीडियो में, उसके हम प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे और वो पूरी आपको एक वीडियो अलग से कॉन्टेंट इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों बनाकर दिखा दूँगा। तो चीज़ बहुत टाइट है, आप लोग पिक्चर देख के अंदाज़ा हो जाएगा उसका, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि है क्या। खैर इसी के साथ अब चलते हैं, सुबह जाना है स्कूल वापस और अपने काम पे टाइम कम। तो अल्लाह हाफिज़, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बाय।